चल में छुपा ले, गले से लगा ले कि यार मेरा कोई नहीं। जैसी माँ वैसा बेटा, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। खर्राटे मार रहे, रुको। नो। अपनी माँ को समझाओ ना, सुबह सुबह सोने नहीं देती संडे को भी। अरे पूजा तो करें, करने तो ना, सो जाओ। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बेटा। दादी को देखो, देखो, देखो भी दादी। अरे मेरा पैर तोड़ेगी क्या तू? मैं भी दादी, मैं भी। अरे बिटिया ये बहुत छोटी है, तू बड़ी है। क्या पढ़ रहे हो आप? ये देखो भगवत गीता पढ़ रही हूँ ना मैं। तो ये बहुत बढ़िया है, इसको पढ़ना चाहिए तुमको भी। बिटिया का सुबह सुबह चुड़ैल जैसे बाल बनाई हो, इसको छोटी बना लो, गर्मी ना लगा तो सुबह सुबह। अरे दादी ये फैशन है। ई कमाल फैशन है, बाल बनाओ। 9 बज गया, बहू अभी तक उठी नहीं। अरे दादी यहाँ तक हम उनसे पहले उठ गए, हूँ ना मैं इतनी महान। मेरी पोती है तो महान ही रहेगी ना। अरे ये वाली पोती? अरे मेरी दोनों पोती महान है ना। ये देखो मम्मी आ गई, दादी मम्मी आ गई। अरे बहू रात को लेट सोई क्या, इतना लेट उठी? 9 बज गया। अरे अम्मा आप सोने ही कहाँ देते हो, सुबह सुबह तो आपका रामायण चालू हो जाता है, संडे ही सोने को मिलता है, वो भी आपकी वजह से नसीब नहीं होता। अरे मम्मी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। मुझे भी भूख लगी है। तुमको तो अपना रामायण पढ़ना था, तुम लोग किस खुशी में इतनी जल्दी उठ गई? अरे बाबू अब किचन में जा ही रही है तो एक मेरे लिए चाय भी बना देना। क्यों नहीं, इस घर की नौकरानी जो मई, अभी मेरे पति परमेश्वर भी आते होंगे, उनका भी ऑर्डर पूरा करो। अरे आस्था मेरे लिए चाय और गर्म पानी ले आना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इस घर की नौकरानी जो हूँ। अरे क्या हो गया इसको, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ क्या? नो सॉरी दादी। अच्छा मम्मी मैं निकलता हूँ ऑफिस, ठीक है? अरे बेटा नाश्ता वास्ता किया अपना, टिफिन उफिन लिया कि नहीं? अरे मम्मी आप क्यों इतना टेंशन करती, नाश्ता कर लिया, आप आराम करो। अरे हाँ बेटा मैं तो भूल ही गई थी, आज हमको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, तो कुछ पैसा है तो दे देना। अरे अच्छा वो मम्मी याद दिलाई, ये लो और यहाँ से चली जाना। अरे राजेश मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना, वो अनु का सूज फट गया है ना, तो पैसे रख के जाना। अच्छा एक सेकंड ना देखता हूँ। अरे पैसे तो खत्म हो गए, अभी 2 दिन पैसे आने वाले हैं, फिर जो है जाके ले लेना। हमारे पास कभी रहता भी है? बेटा मेरा चेकअप 2 दिन बाद भी हो सकता है, अनु का जूता ज्यादा जरूरी है, तो ये पैसे ले लो, अनु का जूता मंगा लो।
अच्छा सुनो, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं तो खाना शाम को बना देना। हाँ ठीक है। ठीक है, ये लो पैसा। सिद्धि रूप सरस्वती मैया दीदी अनुपम गुणों की छैया जीवन। हाँ जी आप अंदर चले जाइए, राजेश के दोस्त आ रहे हैं डिनर पे। अरे बेटा ये भजन आ रहा था ना, बस थोड़ी देर सुन के चले जाओ। अरे माँ जी वो लोग बस आ ही गए हैं। राजेश भी सुबह बोल रहा था कि आप यहाँ बैठे रहोगे तो उसको बहुत शर्मिंदगी होती है। तो आप अभी का भी अंदर चले जाइए। अच्छा ठीक है। तो उसका बेटा ना फिर उसको वृद्धा आश्रम छोड़ा था। दादी ये वृद्धाश्रम क्या होता है? अरे बुद्धू वृद्धाश्रम वो जगह होती है जब बुरे लोग अपने मम्मी पापा को भेज देते हैं। हमारे पापा ऐसा नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पापा वैसे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। अरे तुम लोग अभी तक सोए नहीं? अरे दादी मैं कहानी सुना रही है। स्कूल नहीं जाना क्या? ऑप्शन है क्या? अरे जाने दे ना बहू। हाँ जाने दो ना मम्मी। चलो सो जाओ दोनों। चलो ठीक है सो रहे हैं। गुड नाइट दादी। गुड नाइट बेटा। गौरी सुनाओ ना दादी। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, वो मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ बस मैं तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। राजेश। हाँ क्या हुआ? मैंने अभी अपने भाई से बात की, मैं जा रही हूँ मायके रहने। अरे मायके क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अब क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम्हारी माँ है। दिन भर घर का काम करो इतना सारा, बच्चों की देखरेख, तुम्हारा काम करो, ऊपर से तुम्हारी माँ के नखरे, मैं नहीं झेल सकती, मैं जा रही हूँ अपने। अरे यार इतनी छोटी छोटी बात कोई घर छोड़ के जाता है क्या? क्या हो गया तुमको? तुम्हारे लिए छोटी बात होगी क्योंकि तुम घर पे तो रहते नहीं हो, दिन भर ऑफिस में रहते हो, तुम्हारी माँ के नखरे तो मुझे सहने पड़ते हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं मम्मी के रहने के लिए कहीं बात करता हूँ, कोई वृद्धाश्रम में बात करता हूँ जहाँ वो रह सके। ठीक है। और माँ कैसी हो आप? ठीक हूँ बेटा। अरे बेटा मैं कब से अपना चश्मा खोज रही थी। अरे ये क्या है मम्मा, इधर ही है, आप फालतू में ही परेशान करते रहते हैं। हाँ बेटा देखो ही नहीं। अच्छा सुनो माँ। क्या है बेटा? मैंने आपके लिए बहुत अच्छी जगह देखी है, वो लोग आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और टाइम टू टाइम आपका चेकअप भी होता रहेगा। वो क्या है ना माँ, मैं बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, अभी क्या है ना सीमा को बहुत ज़्यादा काम होता है, थक जाती है, बच्चों का ख्याल रखो, घर का पूरा काम करो और आपका भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाती है, तो मैंने एक वृद्धाश्रम में बहुत अच्छी जगह देखी है। वृद्धाश्रम वो जगह होती है जब बुरे लोग अपने मम्मी पापा को भेज देते हैं। हमारे पापा ऐसा नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पापा वैसे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। वहाँ आपका चेकअप भी होगा और वो लोग आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, मैं क्या बीच बीच में आता रहूँगा बच्चों के साथ आपको देखने के लिए। आप कल सुबह तैयार रहना और बच्चों को मत बताना, उनको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बेटे। ठीक है मम्मी।
बच्चों की रक्षा करना है, सदा उनका कल्याण करना है। जय माता राम। मम्मी चलो लेट हो रहा है। हाँ आई बेटा, बस हो गया, ये रख दो बेटा मेरे झोले में। चलो माँ। हाँ बेटा। दे 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 दे। नमस्ते माँ जी। सदा सुहागा। दादी दादी मत जाओ। हाँ प्लीज दादी मत जाओ, हमें प्रसाद कौन देगा? मुझे रात को लोरी कौन सुनाएगा? तुम्हारी माँ सुनाएगी ना बेटा, माँ को परेशान नहीं करना। दादी मत जाओ ना प्लीज। दादी भूलना मत, आपको हर दिन अपना चेकअप कराना है, हर दिन दवाई खानी है, ओके? हाँ बेटा मैं दवाई जरूर खाऊंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ये दादी मत जाओ, बहुत जल्दी से आ जाऊंगी बेटा। चले माँ। हाँ चलो। बाय दादी। बाय बेटा। कॉल जरूर करना। दीदी मुझे दादी की लोरी से तो नींद नहीं आती। मुझे भी नींद नहीं आती, मुझे लोरी सुनाओ ना। दादी की लोरी नहीं आती, मैं बस तेरे को ऐसे सुला देती हूँ, सो जा। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। उनके बिना हम एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। अब हमें कल पूजा करने के लिए कौन उठाएगा? हेलो। हाँ अच्छा, मम्मी का ख्याल रखना वृद्धाश्रम में, पैसे कल भेज दूंगा। हाँ हाँ
कोई और दिक्कत नहीं है ना? ख्याल रखना उनका। आयु 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 क्या हुआ? यकीन नहीं करेगी मैंने क्या सुना। क्या मैंने सुना कि पापा दादी को वृद्धाश्रम भेज दिए। क्या सच्ची में? नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। नहीं यार मैंने सच्ची में सुना था, पापा फोन करते हुए बोल रहे थे कि कुछ पेमेंट देनी है और दादी को वृद्धाश्रम भेज दिए। मैं झूठ क्यों बोलूंगी दादी के बारे में? सच्ची? अरे दादी की क्या हालत होगी अभी? आयु लगता है दादी की कहानी सच हो गई। दीदी वृद्धाश्रम और पूरे लोग ही अपने पेरेंट्स को भेजते है ना? क्या इसका ये मतलब है कि हमारे मम्मा पापा भी बुरे हैं? शायद, ये तो एक ही बात से पता चलेगा। क्या? उनको रियलाइज कराना पड़ेगा उनकी गलती। मेरे पास एक प्लान है। क्या? अरे वाह यार तू तो मुझे गए क्या प्लान बनाई है। हाँ पर एक चीज मुझे बहुत सता रही है। क्या? कि दादी की तो उसे देखभाल हो रही है कि नहीं, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। मुझे भी। चल अभी सोने चलते हैं, कल बहुत कुछ करना है। देखो प्लान याद है ना? यस बॉस। मम्मी मम्मी सोनी की एक्टिंग कर। अभी तक तुम लोग सो ही रहे हो इतना लेट तक? मैंने पूजा भी कर लिया नहा धो के। अरे आप सोने ही कहाँ देते हो? सुबह ही 10 बजे आपकी पूजा चालू जाती है तो नींद ही कहाँ आती है? कभी तो हम बच्चों के बारे में सोचा करो। चुप कर बदतमीज कहेगी। अभी नहीं उठे तो देखो। अरे मम्मा इतने किच किच क्यों करते हो, उठ जाएंगे ना हम। अरे अनु आयु लेट हो रहा है, तुम लोग कब निकलोगी? हाँ हाँ आगे टिफिन लिया? हाँ चेक। बॉटल? अरे मम्मा इतना किच किच क्यों कर रहे हैं, हमने सब ले लिया। हाँ अरे चेक कर रही थी बाबा। अरे मम्मी हम बड़े हो गए, आपको हंसने में सिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम लोग। अच्छा मम्मी हमें लेट हो रहा है, बाद में डांटना। बाय बेटा। क्या हो गया ये लोगों? आयु रिमोट कहाँ है जरा देना, मुझे न्यूज देखना है। अरे पापा उधर ही तो है, दिख नहीं रहा क्या? अरे पापा देखो उधर ही पड़ा हुआ है। अरे क्या हो गया तुम दोनों को आज? अरे पापा हमें कुछ नहीं हुआ है। पापा आप बड़े हो गए हो, आपको कम दिखता है, हम तो एक बच्चे ही हैं। एग्जैक्टली। क्या हुआ? अरे मम्मा अच्छा आप सही टाइम पे आ गए, मेरे दोस्त आ रहे घर पे खेलने। हाँ हाँ मेरे भी आ रहे, चलो जल्दी से टीवी बंद कर दो और अपने रूम में चले जाओ। क्यों? हम नहीं मिल सकते तुम्हारे दोस्तों से, हमें भी मिलना है। पापा आप इधर आओगे तो हमें शर्मिंदगी हो गई है। आप जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ जाओ जाओ। ये कैसी बातें कर रही तुम लोग को, यही तमीज है? यही संस्कार सिखाया था हमने तुमको? अरे क्या यही दिन देखने के लिए हम लोगों ने तुम्हें पाला पोसा था? मम्मी हमने ये संस्कार आपसे ही सीखा है, आप लोग भी तो दादी के साथ यही व्यवहार करते थे। और हाँ क्या दादी ने भी आपको यही दिन देखने के लिए पाला पोसा था? सॉरी बेटा आज तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। जिंदगी एक सर्कल की तरह है, आज जो हम करते हैं वो घूम के कल हमारे पास ही आता है। हाँ बेटा आज तुम दोनों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया मुझे कितना दुख हुआ, तो आज मैं सोचता हूँ मेरी माँ को कितना दुख लगा होगा। बेटा ऐसा तुम लोग हमारे साथ कभी मत करना, आज हमने बहुत बड़ी सीख सीखी है। हाँ मम्मी सॉरी हमें आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा, हमने तो बस ये आपको सबक सिखाने के लिए किया था। लेकिन मम्मा पापा आपको अग्री कर रहा है, सबसे अच्छी एक्टिंग मैंने की, आपको आता ही नहीं, मैंने उसे सिखाया पूरा एक्टिंग। अभी दादी को हम आज ही लेने जाएंगे बेटा। मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि यार मेरा कोई नहीं। दादी दादी आप पापा में कभी भी छोड़ के मत जाना, मुझे तो रात को नींद नहीं आई थी आपकी लोरी के बिना, आज मैं अच्छे से सोऊंगी आपके साथ। हाँ दादी हमें बहुत याद आई आपकी। मैं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी।